सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। लगातार हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे दर्शक हैं उन तक ये बात पहुंचे कि आजकल जो साइबर फ्रॉड हो रहा है वो अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग जरिए अपनाए जा रहे हैं साइबर फ्रॉड के। इनमें से एक साइबर फ्रॉड करने का तरीका यह है कि किसी की आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आएगा, और जब आप वो मैसेज ओपन करेंगे उनकी डीपी देखेंगे तो वो किसी लीडर की डीपी होगी, किसी पुलिस अफसर की डीपी होगी, कोई जम्मू कश्मीर के या भारत के जाने माने व्यक्ति की डीपी होगी, जिससे आपको लगेगा कि शायद उन्हीं का व्हाट्सएप है। और उसके बाद खेल शुरू होता है इन साइबर फ्रॉड करने वालों का। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मेरे साथ, कुलभूषण मल्होत्रा जी हैं जिनके साथ कुछ इस तरह का मामला सामने आया, लेकिन ये अवेयर थे तो इन्होंने उस चीज को समझा, लेकिन इन्होंने एक अपना सोशल मैसेज देने के लिए सिविल सोसाइटी के तौर पर इन्होंने ये सोचा कि पब्लिक को भी अवेयर किया जाए जेके मीडिया के माध्यम से। तो मेरे साथ डॉक्टर कुलभूषण जी हैं। कुलभूषण जी पूरा मेरे को बताएंगे किस तरह से आपको मतलब ये साइबर फ्रॉड करने वाले ने ट्रैप में लाने की कोशिश की, क्या पूरा एक मामला? दिन मैं आउट ऑफ कंट्री था, तो मुझे एक बड़े लीडर की, जो हमारे बड़े अच्छे क्लोज हैं और जाने माने, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा, तो उनकी डीपी लगी हुई है। तो जब मैं देखता हूँ तो व्हाट्सएप मैसेज मुझे आता है कि हाय वेयर यू आर, अच्छा प्लीज शेयर योर व्हाट्सएप नंबर। तो मैंने कर दिया, नंबर शेयर कर दिया। तो उसके बाद मुझे किसी संतोष नाम के व्यक्ति का मतलब आता है, और उसकी डीपी मैं देखता हूँ तो वो एक राष्ट्रपति से कुछ अवार्ड ले रहा है, अच्छा तो सीआरपीएफ की वर्दी में। तो मैंने सोचा ये कोई बड़ा अफिसर है, तभी तो इस बड़े नेता ने मेरे को मतलब नहीं कि इसे मिलाया, शायद इसको कोई काम होगा। तो उसने चैटिंग शुरू कर दी कि मैं जहां से ट्रांसफर हो गया हूं तो मेरे पास कुछ सामान है, और मुझे इन्होंने मतलब जिसकी डीपी उन्होंने लगाई थी, कि इन्होंने मुझे कहा कि आप इनसे बात कर लीजिए, ये आपकी मदद करेंगे। तो उसने वो मेरे को डिटेल भेज दी कि ये सामान है, और टोटल कास्ट उसकी लिख दी 1,20,000 रुपया। तो मैंने कहा मैं आउट ऑफ कंट्री हूं, जब मैं वापस आता हूं तो मैं उस वक्त मतलब के देख लूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। तो मैं जब वापस आया तो कल की डेट में, तो उसने मुझे फोन करना शुरू कर दिए कि सर आप पहुंच गए, हमने सामान पैक करवा दिया है, तो आप मुझे मतलब के अपनी आईडी भेज दो, और ताकि मैं जहां से आपका सामान, क्योंकि जहां सीआरपीएफ से जब गाड़ी निकलेगी तो आपको मुझे आईडी की जरूरत पड़ेगी, और साथ में आप पैसे भी ट्रांसफर कर दो। तो मैंने कहा भाई पैसे तो तभी ट्रांसफर होंगे कि जब सामान जहां पहुंचेगा, और आज तो बैंक बंद है, कल बैंक खुलेगा तो आरटीजीएस में करवा दूंगा। अच्छा, क्योंकि अभी जिनका नाम लेके आपने भेजा उनको मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, तो आप भेज दीजिए। तो कहने लगा नहीं, वो पैसे अच्छा मुझे थोड़े भेज दो, थोड़े कल, क्योंकि आईडी लगानी है, इस तरह करके उसने बात कही। तो मुझे समझ आ गया कि ये कुछ ठीक नहीं है मामला, क्योंकि थोड़े भेज दोगा, जिस व्यक्ति ने रेफर करा है वो व्यक्ति एक देश का इतना मतलब कि महान है कि उसको प्राइम मिनिस्टर भी जानते हैं, और वो आदमी मेरा नाम को रेफर करके दे रहा है, और जो व्यक्ति मेरे से चैटिंग कर रहा है तो उसकी डीपी जब देखी, वो एक बड़ा ऑफिसर नजर आता है जिसको राष्ट्रपति कोविंद जी उसको अवार्ड दे रहे हैं। अवार्ड तो इस तरीके से मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। फिर मैंने किसी को फोन करके पूछा कि मैंने कहा यार ये नंबर को उसमें देखो ट्रू कॉलर में, ये किसका नंबर हो सकता है। तो उसने जब देखा, उसने कहा कि ये नंबर डीपी तो उन्हीं की लगी है जिनकी आप कह रहे हैं, लेकिन ये नंबर उनका नहीं है, ये कोई फ्रॉड है। तो फिर मैंने सीआईडी में मतलब कि जहां फोन किया, तो उन्होंने बोला कि आप तुरंत मतलब कि दोनों नंबर यानी कि जिससे कॉल आ रही है और जिसने आपका रेफर किया है, दोनों नंबरों को ब्लॉक करिए और उनको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आपकी फेसबुक से भी इन्होंने मतलब वो ले लिया होगा और आपका बैंक साफ हो जाएगा, तो ये लोग फ्रॉड हैं इसलिए करो। और मैंने तुरंत मतलब कि दोनों को ब्लॉक करके फिर उनको डिलीट भी किया, और मैंने आज सीआईडी वाले से भी कंफर्म किया जब, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों नंबर इनका कोई आता पता नहीं है, ये मतलब फ्रॉड नंबर निकाले होते हैं बिना आईडी के, तो जो मतलब इस तरीके की। तो मैं आज कोहली जी जहां बैठे थे, तो मैंने कहा ये मेरे साथ हुआ तो किसी के साथ भी हो सकता है, और किसी भी लालच में आने से पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि मैं तो इतना था कि मैं भी लालच में आ जाता, लेकिन मैं अब बात बताऊंगा तो वो एक सामने आ जाएगी कि मैं किसके लीडर का लगाया, मैं उनका नाम जहां कोड नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बदनामी, ये लोग तो बदनाम कर लेते, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो उस आदमी के साथ वो कल की डेट में जो उसने मेरे को चैटिंग करी कि ही इज कॉलिंग यू अगेन एंड वाई यू आर नॉट आंसरिंग हिम, प्लीज कॉल हिम। तो मैंने कहा यार वो व्यक्ति इतनी बात मेरे को नहीं कह सकता है। बिल्कुल तो तब मेरे को डाउट हुआ कि क्योंकि वो व्यक्ति इस कदर का नहीं है कि वो मेरा इतना
जहाँ ऐसे व्यक्ति के साथ इतना मतलब मिलके तो वो मेरे से ही चैटिंग करेगा, तो वहां से दौड़ के हुआ, और जिस दौड़ के चक्कर में भगवान ने मेरी मदद करी कि मैं जल्दी संभल गया और बच गया कि मतलब इनके मेरे साथ फ्रॉड होने से। और मैं यही आप सभी को इस जैके चैनल के माध्यम से, अशीष जी के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ कि ऐसी भी मतलब इनके फ्रॉड करने, साइबर क्राइम करने वाले लोग इस धरती पर हैं, और वो कुछ ना कुछ आपको बड़े आपके ही किसी ऐसे चेते की डीपी लगा लेंगे जिसको आप कभी इनकार नहीं कर पाओगे, और बोलोगे वो बोलेंगे कि जे मैं फलानी जगह मुझे परेशानी आ गई है, तो आप ऐसे कर दो वैसे कर दो, और आप उस वक्त एकदम मतलब इनके उस शिकंजे एकदम में सही फंस कहा आपने। जाओगे। इसलिए मेरी सबसे विनती है कि ध्यान रहें और अपने आप को संभाल के रखें, और इन फ्रॉडियों को तुरंत यानी के सलाखों के अंदर पहुंचाने का काम भी करें और अपने आप को भी संभालने का काम करें। यही मैसेज आज मैं देना चाहता था। बहुत अच्छा धन्यवाद। डॉक्टर कुलभूषण जी, डॉक्टर कुलभूषण जी ने यही एक अपना दायित्व समझा कि पब्लिक को अवेयर किया जाए, क्योंकि मैं आपको बता दूं आपको इस तरह के भी मैसेज आ सकते हैं जिसमें आप बिना सोचे समझे जो है इनको पैसे ट्रांसफर कर देंगे, अपनी यूपीआई आईडी दे देंगे, अपना आईडी प्रूफ दे देंगे, उसके बाद इनका खेल शुरू हो जाता है, आपके अकाउंट खाली हो जाएंगे, फिर आप जितने मर्जी भागिए वो पैसे आपके अकाउंट से निकल जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी से, ऐसे कोई भी आपको फोन करे, दोस्त बनकर आजकल आवाज भी आपके दोस्तों वाली बना ली जाएगी, किसी पे विश्वास मत कीजिएगा, डायरेक्ट अपने दोस्त को खुद फोन कीजिए, अपने रिश्तेदार को जिनका नाम से वो जो है चैटिंग कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि वो असली चैटिंग नहीं हो रही है, ये कोई फ्रॉड है, ये कोई फेक लोग है। ऐसा साइबर फ्रॉड हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। बचें और अपने आप को भी बचाएं और लोगों को भी अवेयर करें। धन्यवाद जी, राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय, और सभी को साधुवाद।